हेलो गाइस, माय नेम इज सोहेल रजा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल रजा रेफ्रिजरेशन इन यूट्यूब। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके पास वोल्टास का इन्वर्टर एसी है और उसमें E3 करके एरर आ रहा है तो वो एरर किस चीज का, उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल रजा रेफ्रिजरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जो इस टाइप की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आप तक जल्द से जल्द आएगी। और अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ आपको सजेशन या कुछ एरर के बारे में पूछना है मुझसे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, रजा रेफ्रिजरेशन 777 के नाम से मेरी आईडी है। गाइस जाइए, उसमें आप मुझे फॉलो करके मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं करते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट का भी रिप्लाई देने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगा। सो गाइस, हम बात कर रहे थे वोल्टास इन्वर्टर एसी में E3 अगर एरर आ रहा है तो वो एरर है गाइस आपके इंडोर यूनिट में कॉइल सेंसर जो लगा रहता है, कॉइल में एक सेंसर लगा रहता है तो उसका फॉल्ट है गाइस। वो हो सकता है कि आपके यहाँ चूहे ज्यादा हो और उस सेंसर का वायर जो है वो ब्रेक कर दिया और चूहे, तो एक बार एसी खोल के आप चेक कर लें वायर डेड तो नहीं है, और अगर डेड नहीं है और कोई दिक्कत नहीं है तो आपको कॉइल सेंसर चेंज करना पड़ेगा। और एक बार आप कनेक्टर भी निकाल के देख लें कि कनेक्टर में लूज तो नहीं है, उससे जो है E3 जो एरर है वो कॉइल सेंसर का एरर है। अगर कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी E3 आ रहा है तो आपको कॉइल सेंसर चेंज करना पड़ेगा। सो गाइस, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर कर दें।